हे गाइस, मेरा नाम अभिषेक रॉय। आप देख रहे हो ज्ञान रूपी। तो थंबनेल देख करके आप समझ गए कि क्या बात करूंगा। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ शिक्षा अनुसंधान यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट यानी कि सैट 2025 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाले हैं, क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है बीटेक में एडमिशन के लिए। साथ साथ बात करेंगे कि क्या कुछ एप्लीकेशन फॉर्म फी लगता है यहाँ पे। बात करते हैं सबसे पहले सैट 2025 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से ही स्टार्ट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो क्लास 12 साइंस से होना आपका मस्ट है। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने ही होने चाहिए आपके क्लास 12 में। इसके अलावा एक सब्जेक्ट जो है वो आपका जो केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, बायोटेक हो सकता है, या कंप्यूटर साइंस का अगर आपने कोई कोर्स किया तो वो हो सकता है, या कोई भी आपने टेक्निकल या वोकेशनल कोर्स आपने किया तो आप एलिजिबल हैं यहां पे अप्लाई करने के लिए। क्वालिफाइंग मार्क्स की मैं बात करूं तो 60% मार्क्स आपके क्लास 12th में होने ही होने चाहिए मिनिमम। वहीं पर बात करूं 50% जो अगर आप एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके क्लास 12th में मिनिमम होने ही होने चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स की मैं बात करूं फिजिक्स और मैथमेटिक्स की जो रिक्वायरमेंट है उसमें तो 50% मार्क्स जो है आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स में भी होना चाहिए। साथ ही साथ 45% मार्क्स होना चाहिए अगर आप एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपके फिजिक्स और मैथ में। वहीं पर पासिंग ईयर की बात करूं तो अगर आपका क्लास 12 2023 में क्लियर हुआ या 24 में क्लियर हुआ है तो आप एलिजिबल है यहां पे अप्लाई करने के लिए। वहीं पे अगर आपका जो क्लास 12 है 2025 में क्लियर हो रहा है तब पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको एज अपीयरिंग कैंडिडेट अप्लाई करना पड़ेगा। एज रिस्ट्रिक्शंस की बात करूं तो एज सच यहां पे कोई एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं, यानी कि कोई मिनिमम या मैक्सिमम एज की रिक्वायरमेंट नहीं है यहां पे अप्लाई करने के लिए। अगर बात करें सैट 2025 का क्या कुछ फॉर्म फी लगता है तो यहाँ पे आपको कोई फॉर्म फी देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ, आप यहाँ पे बिना किसी फॉर्म फी का इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर इसके प्लेसमेंट्स वगैरह के बारे में जानना है तो चैनल पे ऑलरेडी मैंने इसका रिव्यू वीडियो अपलोड किया हुआ तो वो देख लो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। अब बात करते हैं सैट 2025 की कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाले। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट बात करूँ फेज फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो दिसंबर 2024 से हो जाएगा और फेज टू जो है वो अप्रैल 2025 से होगा। रजिस्ट्रेशन एंड की बात करूं तो फेज फर्स्ट में अप्रैल 2025 में इसका एप्लीकेशन फॉर्म का जो लास्ट डेट रहने वाला है और फेज टू की बात करूं तो मई 2025 लास्ट डेट रहने वाला है। एग्जाम डेट की बात करूं तो फेज वन जो मई 2025 में इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा और फेज टू का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है वो जून 2025 में होने वाला है। एक बात मैं यहां पे मस्ट क्लियर कर दूं कि ये सब के सब टेंटेटिव डेट है, अभी रियल डेट नहीं आया। जैसे रियल डेट आएगा वो भी आपको वीडियो मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को क्लिक कर लो। और हां, अगर ये एलिजिबिलिटी वाला पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और आप टेलीग्राम पे जाकर के भी ज्ञानरूप सर्च करके जो है ज्वाइन कर सकते हो।